कन्यापुरी पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट देके अमेरिका और यूके को जिनको वीजा के लिए अप्लाई करना है ऐसे लोगों को चिट किया जा रहा है करके हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। उसके ऊपर वर्कआउट करते हुए एसओटी एलबी नगर टीम के इंस्पेक्टर सुधाकर एसआई टकीउद्दीन और उनके टीम ने और चैतन्यपुरी पुलिस ने मिलकर एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें चार जो आरोपी है उसमें तीन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। मेरे यहाँ आनंद कुमार करके ये यादाद्री भुवनगिरि जिला रामानपेट का रहने वाला है। यहाँ पे एलबी नगर चिंतलकुंटा शक्ति नगर पे उसका फ्लेक डिजाइनर का शॉप है। ये फाइन आर्ट का स्टूडेंट होने से फोटोशॉप कैसा करना उसको अच्छी जानकारी उसके बारे में उनका और एक साथीदार मल्लेपा का हेमंत ये जो है रिको ओवरसीज कंसल्टेंट करके सलीम नगर मलकपेट में एक कंसल्टेंसी चलाता है। और एक लेडी शेख शाहीन वाइफ ऑफ शेख याकूब पाशा ये ओवरसीज वे फोर ओवरसीज कंसल्टेंसी करके मुसरमबाग मलकपेट में है वहां पे वीजा प्रोसेसिंग की काउंसिलर है। और ये नंबर फोर जो है कल्याण जो डायरेक्टर है वे फॉर ओवरसीज कंसल्टेंट मुसरमबाग सर ये अभी फरार में है ये हमें मिला नहीं। इनके पास से हमने तकरीबन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 10 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 14 आंध्रा यूनिवर्सिटी के 8 आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के 6 काकतीय यूनिवर्सिटी एसआर यूनिवर्सिटी तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन एसएससी सर्टिफिकेट गीतम यूनिवर्सिटी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी अन्नामल्ला यूनिवर्सिटी जीआरई सर्टिफिकेट फेक आधार कार्ड फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट फेक ड्राइविंग लाइसेंस फेक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फेक ऑफर लेटर फेक बैंक सर्टिफिकेट फेक पे स्लिप फेक लोन सैंक्शन लेटर फेक कोविड सर्टिफिकेट फेक बोनाफाइड सर्टिफिकेट फेक ट्रांसफर सर्टिफिकेट 2 फेक रबर स्टैम्प्स एक कंप्यूटर एक प्रिंटर एक स्कैनर और 3 मोबाइल फोन इनसे पास से हमें बरामद हुए है। ये जो है 2-3 हजार रुपए में एक दूसरे को हेल्प करते हुए ये बना नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं और जो इनके पास में अनएम्प्लॉयड यूथ अप्रोच करते हैं इनको 50-60 हजार में एक एक सर्टिफिकेट ये लोग वहां पे दे रहे हैं। जो यूके और यूएस के वीजा के हर एक डॉक्यूमेंट को एक्चुअली उन लोगों ने भी क्रॉस चेक करना है जो एजेंसी ने इश्यू किया है उन्होंने इश्यू किया कि नहीं उसके बारे में 100% अगर वो लोग क्रॉस करेंगे तो काफी सारी चीजें जो है वो बाहर आ सकती है। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में जो डाउट आ रहा है वही डॉक्यूमेंट वो लोग वहां पे चेक कर रहे हैं हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे रहे कॉन्सुलेट की तरफ से और हम लोग भी उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे एरिया में पहाड़ी शरीफ में एक बड़ा रैकेट हमने पकड़ा था जिसमें 3 आरोपी को हाल ही में मैंने पीडीएफ में भी बुक किया है जो फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का गैंग चला रहे थे और जो पूरे सिटी में 3 कमिश्नरेट में जिन्होंने इस तरह के हरकतें की थी ये जो लोग हैं इनके पास में और भी कुछ अगर केसेस है तो पक्का बुक करके इन लोगों को भी हम पीडीएफ उनके ऊपर अमल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ ऐसे फेक एजेंसी का सहारा ले रहे हैं उनको एक ही हमारी वार्निंग है कि इस तरह की हरकतें मत कीजिए अगर आप पकड़े जाओगे तो पूरी जिंदगी भर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा आप जो है आपके खिलाफ कड़क कदम उठे जाएंगे। थैंक यू।